इंडियन रेलवे गुरु एयर होस्टेस नहीं ना, ट्रेन होस्टेस होगा, एयर होस्टेस लिखा हुआ है, लिखा हुआ एयर होस्टेस है। तो चलो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं भाई, तजस्स बढ़ गया, क्यूरियोसिटी, देखते हैं वीडियो। भारत की सर्वप्रथम पुरुषोत्तम पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस IRCTC के कोलैबोरेशन में आपका स्वागत है। मैं रेलवे स्टेशन कुछ जल्दी पहुंच गया था, इसीलिए मैंने फैसला लिया आराम फरमाने का। जी हां, यह कोई 5-स्टार होटल का लॉन्च नहीं, बल्कि है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे एग्जीक्यूटिव लॉन्च अजमेरी गेट की तरफ। यह किसी भी रेलवे के पैसेंजर को उपलब्ध है, आपको केवल अपना PNR नंबर दिखाना है रिसेप्शन पर। इस लॉन्च की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए मुझे ₹200 खर्च करने पड़े। ₹200 में आपको स्टैंडर्ड फीचर्स और ₹600 में आपको एग्जीक्यूटिव क्लास फीचर्स उपलब्ध हैं। बहुत ही आरामदायक और मजेदार जगह थी ये। खास बात यह है कि अगर आप तेजस एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे हैं तो तेजस एक्सप्रेस की टिकट दिखाएं और आपको डिस्काउंट मिलेगा जो किसी और ट्रेन से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर को नहीं मिलता है, ना बेहतरीन चीज। और बेहतरीन ये बात भी है कि इसका खाना जो है बहुत ही उम्दा था। आइए आपको खाने के दर्शन करवा दें। ये सब वेजिटेरियन बुफे की आइटम्स आपके सामने इस वक्त। काश मैं आपको इनकी फ्रेग्रेंस या फिर अपनी भाषा में कहें तो अरोमा स्मेल करवा सकता। बहुत ही उम्दा खाना था, खा के जी भर गया और फिर आई नींद, तो मैं चल पड़ा रिक्लाइनर्स और काउच की तरफ। जी हाँ, आपके एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में आपके लिए है रिक्लाइनर्स रेस्ट करने के लिए, काउचेस स्पा वाली फीलिंग के साथ अंधेरा करके आपको आराम से एक सपनों की दुनिया में ले जाने के लिए काफ़ी है। पर हाँ, सपनों में याद रखिएगा कि आपकी ट्रेन मिस ना हो जाए तो अलार्म ज़रूर लगा लें। तो दोस्तों, अगर इससे भी आपका जी नहीं भरा तो आपके लिए है मसाजिंग रिक्लाइनर्स। जी हाँ, आपकी खुशी आपके हाथों में। लीजिए रिमोट और दबाइए बटन और आनंद लीजिए मसाज का, खुद खुशी का। अब मेरी ट्रेन का वक्त हो चला, 3:30 शाम के ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है, तो आइए ट्रेन बोर्ड कर लें। दोस्तों, रास्ते में 2 स्टेशन्स पर ये रुकेगी, गाजियाबाद और कानपुर, डेस्टिनेशन होगी लखनऊ। और अंदर इसकी आइए आपको इंटीरियर्स का दर्शन कराएं। लगेज स्पेस काफ़ी है ऊपर, जी भर के सामान लेके आए। और रिक्लाइनिंग बेहतरीन मुलायम सीट्स, वॉल्वो की तरह रिक्लाइन भी होती हैं और आपके पास थाई पैड रेस्ट करने के लिए, एकदम वॉल्वो बसेस की तरह बेहतरीन। ऊपर दी गई हैं LCD स्क्रीन, लाइट्स पढ़ने के लिए और साथ में हेल्प बटन, ट्रेन होस्टेस आपकी सेवा में उपलब्ध है। हम ये जब हम प्रेस करते हैं, हाँ जी, आप जी मैं ट्रेन की मैनेजर हूँ एंड ओके व्हेन यू विल कॉल दिस हमारी जो क्रू होगी आपकी स्पोर्ट्स अटेंडेंट, शी विल कम टू यू एंड यू विल डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स। देयर विल बी 2 क्रूज फॉर दिस कोच एंड जब भी वो प्रॉब्लम आपको कोई भी हो देन यू विल फ्री टू प्रेस दिस, वो आपकी सर्विस में। लेडीज बैग या जैकेट हो तो हैंग करने के लिए हुक्स बहुत ही समझदारी से दी गए हैं और काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के अतिरिक्त ट्रेन को स्वच्छ रखने के लिए ऑटोमेटेड, जी हाँ, ऑटोमेटेड डस्टबिन्स। बस आप खड़े हो जाइए सामने, डस्टबिन खुद ब खुद खुलेगा और जैसे ही आप पास कर जाएंगे फ्लैप खुद ब खुद नीचे, ताकि गंदगी ना फैले। दोस्तों, डिस्पेंसर्स हैं सोप के इसके अंदर, ऑटोमेटेड जैगुआर क्वालिटी के, और बाथ फिटिंग्स भी। टॉयलेट है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वैक्यूम उपयुक्त, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके अंदर फ्लश करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने कोच की तरफ। कोच को डिफरेंशिएट करते हुए दरवाजे ऑटोमेटेड सेंसर से खुलते हैं और बटन्स भी दिए गए हैं इमरजेंसी के लिए। अब अपनी सीट ले ली मैंने और ट्रेन है चल पड़ी
एयर फ्लाइट्स में अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर ट्रॉलीज होती हैं, ट्रॉलीज में आपका खाना सर्व किया जाएगा बहुत ही अच्छे बिंदास तरीके में, और ये आपकी ब्लाइंड्स, हर एक कस्टमाइज ब्लाइंड हर पैसेंजर के लिए, ऊपर करें नीचे करें और जैसा मर्जी जिंदगी का आनंद लें। खैर दोस्तों, 4 बजे मुझे दिया गया ये डेल मोंटे का जूस, चॉइसेस थी गुआवा और पाइनएप्पल में, मैंने गुआवा चूज़ किया क्योंकि मैं थोड़ा मिजाज मेरा कुछ गुलाबी सा हो गया आजकल, ऐसी ट्रेनों में ट्रैवल कर करके मज़ा ही आने लग गया ज़िंदगी का। आप यकीन मानिए आपको पता नहीं लगेगा जैसे ही आपका ट्रेन का सफ़र शुरू होगा कब 6 घंटे बीत जाएंगे, खाने पीने में ही आप बिज़ी होने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे दूँ। 5 बजे दोस्तों हमें प्रोवाइड किया गया स्नैक मील, स्नैक मील के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई, चाय और कॉफ़ी के ऑप्शंस भी उपलब्ध थे। आइए आप खुद ही आज़मा लीजिए इसे। आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का धन्यवाद। आपकी यात्रा को और यादगार बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने अपने कुछ यात्रियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रथम पुरुष यात्री जिसने नई दिल्ली से आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस में आज टिकट कराई है। प्रथम महिला यात्री जिसने नई दिल्ली से आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस में आज टिकट कराई है। पहले सीनियर सिटीजन जिन्होंने इस ट्रेन में आज आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में आज टिकट कराई है। एवं फर्स्ट चाइल्ड जिसने आज तेजस एक्सप्रेस में टिकट कराई है। प्रथम पुरुष यात्री जिसका नाम है श्री तन्मय राय, कोच नंबर C4, सीट नंबर 34। अभियांशी कोच नंबर C4, सीट नंबर 31। प्रथम महिला यात्री सिटीजन श्री टीपी हवेलिया, कोच नंबर C3, बर्थ नंबर 45। हवेलिया कोच C3, सीट नंबर 45। हमें IRCTC के द्वारा की चेन्स भी दी गई हर पैसेंजर को, और ठीक 7:30 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिनर। डिनर की क्या तारीफ करूं मैं, वेज और नॉन वेज के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमने वेज प्रेफर किया, और इसके अंदर आपको दी गई उत्तम क्वालिटी की डिशेस, परांठे एकदम करारे और मुलायम एट द सेम टाइम, एकदम घी में लपेटे हुए स्वादिष्ट, और साथ में दी गई इसके साथ कटलरी उत्तम क्वालिटी की, फॉक नाइफ और स्पून। खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर भी दिया गया और हाथ पोछने के लिए हैंड सैनिटाइजर भी। खाने के लिए मिला हमें वेज मील्स के अंदर दाल, शाही पनीर, एरोमेटिक राइस, फ्रेग्रेंस अमेजिंग, और भिंडी की सब्जी, साथ में दही और आइसक्रीम भी। माय नेम इज सुरेश कुमार। रजक शुक्ला। ईशान। तो कैसा रिव्यू आपका ट्रेन के बारे में? बहुत अच्छा लगा जो है। क्या क्या अच्छा लगा? मतलब वेरी प्रॉपर टाइम पे मतलब पहुंचना जो है, पंक्चुअलिटी एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मतलब काफ़ी प्रोफेशनल सब दिखा हम लोग को, जितना एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उस हिसाब से, काफ़ी सफाई का भी काफ़ी अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा हमको। एक वाव फैक्टर या सरप्राइजिंग फैक्टर जो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया? जैसे क्योंकि फर्स्ट जर्नी थी तो मतलब वेलकम ही बहुत अच्छा था हम लोगों का, फूल वगैरह से, तो ये भी एक अलग चीज़ थी, और ओवरऑल भी मतलब
ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गड़बड़ अभी लगा हो पहली जर्नी में, तो सब सही लगा अभी तक। सबसे बड़ी बात गाड़ी का टाइम से पहुँचना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हम लोग के जीवन में टाइम। और दूसरी चीज़ मीन्स एक्सेलेंट सर्विस, कि मैंने जो चीज़ नीड हुई मुझे तुरंत प्रोवाइड की गई। यूनिक क्या लगा? यूनिक प्राइवेट ट्रेन है। हाँ, यूनिक एक्सपीरियंस में क्या कहूँ? यूनिक एक्सपीरियंस ये लगा मतलब कि हर ट्रेन इसी जैसी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति उतना पे करे से जस्ट लगे शजाब की, हम उतना पे करके हैं लेकिन हम जो एक्सपेक्ट करके हैं वो हम इसमें नहीं देखता। इसमें हमने 1650 अगर किया है, 1650 जो मैंने करेंगे विल्की में कराया था, तो वर्क है वो, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। खाना अच्छा था। खाने में क्या आपने वेज लिया कि नॉन वेज? वेज लिया। सबसे पसंदीदार चीज़ कौन सी है? पनीर। पनीर की करी चिकन जी जी। और उसके बाद? और बस अभी मतलब कार्ड वगैरह मिला जो है, सब खाने में सब कुछ सही था, बहुत अच्छा लगा जो है। अगर आपसे पूछा जाए सुरेश जी, कोई कंप्लेंट्स आपकी? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब कोई कंप्लेंट नहीं। और सबसे यूनिक क्या लगा आपको ट्रेन के बारे में? यूनिक मतलब जो है कह सकते हैं मरिया या बिल्कुल प्लेन जैसी बिल्कुल फीलिंग आई। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जो है, सो वेरी वेरी हाँ बहुत अच्छा। सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी थी। शुक्रिया, थैंक यू। खाना भी अच्छा था, खाना शताब्दी से मुझे बेटर लगा काफ़ी। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस? नहीं, वंदे भारत में तो नहीं कराया। मैं शताब्दी में करता रहता हूँ, उसके कंपेरिजन में तो मुझे ये इंटीरियर भी अच्छा लगा, खाना भी अच्छा लगा। हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को करना चाहिए फिर इसमें ट्रैवल, पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है तो सही है, मतलब डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, सही डायरेक्शन में एक स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खाना कैसा लगा आपको? खाना एक्सेलेंट। आपने वेज ऑप्शन लिए थे? वेज। वेज लिया था जी। और वंदे भारत एक्सप्रेस में आपने ट्रैवल किया? जी, यस किया। कंपेयर करेंगे तो कौन सी बढ़िया लगी आपको? यस, तेजस। तेजस ज़्यादा? यस। थैंक यू। सो एक्साइटेड कि मैं आपसे बात किया मैंने। मुझे भी आपसे फर्स्ट टाइम मिली, बट बहुत अच्छा लगा, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली मुझे आपसे मिलकर, और मैं चाहूँगी आपसे ऐसे ही मिलती रहूँ। बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। लाइक बनता भाई, वाकई बड़ी असलम भाई, लाइक बनता, यकीन कर जाए। इस तरह की सहूलतें मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। मुझे खाना वगैरह बाकी सारी चीज़ों पर मैं आता हूँ, सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं, सफाई निस्फ ईमान है। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मतलब ख्याल रखा गया? सफाई का। और सफाई को मतलब जो आपके आपने चीज़ खाई है को लेकर रैपर वगैरह आप लेकर चढ़े या कोई भी चीज़ है तो ऑटोमेटिक डस्टबिन। ये मैंने पहली बार देखा है हिस्ट्री में, ज़िंदगी में, यकीन का झूठ नहीं बोल रहा। मतलब डस्टबिन होते हैं आपके पास, अहम आपने वो होता है उसका ढक्कन करा होता है, लिड वगैरह होता है, लिड को आप उठाते हैं उस पर फेंक देते हैं। इस तरह के मैंने देखे हैं, स्टेशन पर देखे हैं, बाज़ का तो मैंने ट्रेन अपना बसेस में देखे हैं, ये तो मानने में आता है, देखे भी हैं। लेकिन ये वाला ऑटोमेटिक मैंने पहली बार जिंदगी में देखा। असलम भाई कभी देखा है वो? सच बोल रहा हूँ, रहमतुल्लाह। तीन चार एयरपोर्ट्स भी नहीं गया हूँ लेकिन वहाँ पे भी नहीं देखा भाई। तो ये वाली सहूलत सेंसर लगे हुए दूसरी है जिस पर खड़ा होता है वो ऑटोमेटिक ऊपर होता है और उसमें आप अपना जो भी वेस्ट है वो डालते हैं, उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे वो नीचे हो जाता है। ये पहली बार का है सबसे ज्यादा इसका ये पाकिस्तान में, लेकिन मैंने शायद छोड़ दे जब देख रहे तो सही देखी, जिसमें वो पांव रखना पड़ता है तो उसका जो प्लास्टिक की वो तो हो जाता है, वो भाई बड़े प्लाजा में भी हो जाता है रहमतुल्लाह। क्या बच्चों मैं मतलब वो देखी है दूसरी, मैंने वो आपको नहीं लगी वो नहीं लगी इसके लिए? वो नहीं लगी। नहीं नहीं यार ये नहीं है। और बड़े प्लाजो में वो हर में होता है भाई, वो होती है ठीक है ना, वो को नया नहीं है वो पता कब पता है। ये पहली मरतबा देखा जो ऑटोमेटिक डस्टबिन है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा देखा। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अब आते हैं, वो उन्होंने क्यों लिखा था ये होस्टेस। मैम ये वीडियो जब शुरू की टाइटल पढ़ा तो हैरान रह गया, ये होस्टेस ट्रेन होस्टेस सुन सकते वाकई वो एयर होस्टेस वाले, उनकी यूनिफॉर्म चेक करें, उनकी मैनेजर चेक करें, बटन दिया गया पूरा यकीन एयरप्लेन का माहौल था, है कि नहीं? इसमें आप क्लिक करें बटन दबाएं तो आपके पास
उधर से एक बाकी और बाकी ऐसे साहब डिसिप्लिन होता है वहाँ प्लेन से बेस्ट है, रहता है सही है। हमारे जो प्लेन है ना उनसे बेस्ट है ट्रेन, ये काफ़ी बेस्ट है। नहीं लेकिन जो जाते हैं ना कह लें कि लंबे रूट पे जैसे अमेरिका की तरफ जाते हैं और यूरोप की तरफ जो हमारी फ्लाइट्स जाती है ना वो कदरे बेहतर है PIA की। लेकिन जो दूसरे छोटे मोटे देशों में जैसे मलेशिया हो गया, कतर हो गया, नज़दीक नज़दीक के जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ जो जाते हैं उनका हाल जो है ना बिल्कुल सत्यानाश हुआ हुआ है। अच्छा फिर जब वो एंटर करता है अपना स्टेशन में तो जो उधर वाकई ऐसे लग रहा था वो भाई भी कह रहा था जैसे लग्जूरियस कोई 5-star रेस्टोरेंट भाई देख ले आप उनके खाने सबसे बड़ा कि वो ढांपा हुआ है। हमारे तो बाज होते हैं जो बिल्कुल रखे होते हैं लेकिन ढांपे तो होते हैं बाज जगह पे होता है वो नहीं होता है इनमें जो सिस्टम लगा होता है ना कि ऊपर से ढांपा नहीं होता बहुत सारे होटल में भी होता है कोई बताओ कई जगह पे देखा है नहीं। अच्छा मैं डिफरेंस बताता हूँ इसमें क्या था ये था कि जो हमारे मर्तबान होते हैं ना बर्तन जिसमें खाना रखा होता है वो स्टील के होते हैं और ओपन होते हैं मतलब बाहर पड़े होते हैं तो उसके अंदर खाना होता है उसके ऊपर ढक्कन होता है लिड होता है। लेकिन ये था एक मतलब बना हुआ था वो स्लैब बना हुआ था आई थिंक चीनी पत्थर का बना हुआ था उसके अंदर ही मेरा जो सिस्टम होगा उसको खाना गर्म भी रहेगा और उसके ऊपर जो लिड था उसका वो बड़ा शानदार था। ये वाला लीड मैंने ऐसा नहीं देखा और इस तरह का सिस्टम भी नहीं देखा कि एक स्लैब बनी हुई है स्लैब के अंदर सिर्फ खाने आपके पड़े हैं और उसके ऊपर लीड से कवर किया गया और हर चीज़ उधर अवेलेबल जितनी क्वांटिटी में जिसको आपने खाना है उतना आप अपना डालें और लेकर बैठे और खाएं। और ये वाकई एक 5-star होटल वाली उसकी सफाई सुथराई वो भी थोड़ी शानदार थी हर चीज़ ही यार काबिल गौर नहीं हमारा इधर है लेकिन होटल्स पे होता है रेलवे स्टेशन की क्या बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर तो इस तरह मुझे का नहीं है। मुझे तो लगता है खाना भी पता नहीं मिलता है कि या नहीं ट्रेन हमारी में नहीं मिलता है इकोनॉमी। अच्छा फिर आप और बड़ी बात है यार मिस कर रहे हैं कर्टन्स पर्दे हमारे तो अगर कहीं है भी तो बस इसमें होते हैं तो वो होता है जो नीचे लटक रहे होते हैं मतलब पर्दे होते हैं यार पुरानी बसेस में होता था अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकंड वो नीचे लटक रहा था। मैंने डेवो में भी सफ़र किया फर्स्ट मूवर में भी सफ़र किया कोस्तानी में भी सफ़र किया सब में सफ़र बिलाल ट्रैवल में सफ़र किया जितने भी मैं वो जो कर्टन्स देखे ना वो पुरानी तरह के ऊपर से लटक रहे थे वो आपने खुद आगे खींच कर करने होते हैं वो भाई बस से आपने अच्छा ये ट्रेन है इनका देखें उस कर्टन को भी मतलब आपने ऊपर नीचे करने के लिए बटन है ऑटोमेटिक मतलब बटन आपके पास है आप बटन पकड़ें तो वो खुद नीचे आ जाएगा बटन छोड़ें तो बटन वो रुक जाएगा ठीक है। तो ये बड़ी एक और बड़ी यार और चीज़ें बड़ी काबिल हर चीज डिनर मैं लंच की बात कर रहा हूँ डिनर जो वो भी यार कमाल का पराठे हाँ जो पराठा उन्होंने पाया कि वो आज ना वो शापट के अंदर आई था उसके 3 पराठे थे और कितनी बारीक से हल्के से मैं देख कर भूख लग रही थी इतना लजीज और शानदार फिर ऑर्डर करते हैं भाई इधर से ऐसा काम नहीं है इस तरह मिल जाते हैं खाने की कोई और चीज़ नहीं पराठे यहाँ पे आप क्यों इस तरह की सोने की इस तरह के नहीं मिल जाएंगे हाँ जल सी फील हो यार और नहीं इस तरह के मिल जाएंगे इस तरह के इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ मिल जाएंगे यार अपने घर में बीवी को कब बना करते इस तरह के मिल जाएंगे ये क्या बात है यार हर यहाँ पर क्या अच्छा फिर उसकी सफाई सुथरे की बात करते हैं लाइट्स लगी पढ़ने के लिए वो भी भाई बता रहा था उसके बाद काफी चीजें यार शानदार ओवरऑल जो बड़ी जबरदस्त थी ट्रेन यार एंड पर फिर जो सर्विसेज थी वो भी कमाल शानदार थी बड़ी एक्टिव सर्विस बड़ी सफाई सुथराई और उसके ऊपर उनके पास यूनिफॉर्म हर चीज़ मैनेजेबल थी मैनेज की हुई थी अच्छा था जाकर वाकई जब वो एंटर कर रहा था उसके ऊपर फिर फूल भी बड़े भी परसाया जा रहा है
हमारे ऊपर था कभी किसी ने बनने मेरे साथ चले खैर अच्छा था यार वीडियो अच्छा था मिलते नहीं वीडियो में डाटा चलाते गॉड ब्लेस यू।